हर खबर पर होगी आपकी पकड़ डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप और आइए आप शुरू करते हैं विशेष बुलेटिन श्रीनगर में लॉकडाउन में छूट मिली बकरीद को देखते हुए तीन दिन तक कश्मीर और दूसरे जिले वहां लॉकडाउन नहीं होगा अगली खबर का रुख करते हैं सुशांत सिंह खुदकुशी मामले में गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता जा रहा है आरोपों की लिस्ट लंबी होती जा रही है बिहार पुलिस की मुंबई में जांच जारी जिसके लिए पुलिस टीम बांद्रा में कोटेक महिंद्रा बैंक पहुंची जहां पुलिस क्रेडिट कार्ड समेत सुशांत के खाते और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी जुटाएगी बिहार पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि सुशांत सिंह का लैपटॉप मोबाइल और हार्ड डिस्क रिया अपने साथ ले गई आत्महत्या से पहले करीब तीन महीने से सुशांत रिया से बेहद डरे हुए थे अगली खबर अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही सिर्फ न्योता दिया जाएगा किसी और प्रदेश के सीएम को नहीं बुलाया जाएगा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह फैसला लिया यह तय हुआ कि अगर किसी सीएम को बुलाया गया तो फिर सबको निमंत्रण भेजना पड़ेगा राम मंदिर ट्रस्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उम्मीदों को झटका लगा है उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा जताई थी पांच अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए 200 मेहमानों की लिस्ट बनाई गई है जिसमें बदलाव की संभावना अब बहुत कम है अगली खबर राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सी पी जोशी उनके साथ सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव की बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है इस वीडियो में सी पी जोशी ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि मामला बहुत टफ है अगर तीस आदमी निकल जाते हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते सिर्फ हल्ला करके रह जाते और वो सरकार गिरा देते ये वीडियो उस वक्त का है जब वैभव गहलोत सीपी जोशी के जन्मदिन पर उनके घर बधाई देने पहुंचे थे अगली खबर चौतीस साल बाद देश की शिक्षा नीति बदल गई है प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर स्टडीज तक भारी फेरबदल किए गए पांचवी तक की पढ़ाई अब मातृभाषा स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में होगी आठवीं और उससे आगे भी मुमकिन हुआ तो स्थानीय भाषा में ही पढ़ाई कर सकते हैं अंग्रेजी की पढ़ाई सिर्फ एक विषय के तौर पर होगी नौवीं से बारहवीं कक्षा तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी नई शिक्षा नीति को लेकर दावा किया जा रहा है कि इससे बोर्ड परीक्षा को ज्ञान आधारित बनाया जाएगा जिससे रटकर याद करने की आदत को कम किया जाएगा अगली खबर कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली वालों को बड़ी खुशखबरी दी डीजल के दाम में बड़ी गिरावट का ऐलान दिल्ली में डीजल आठ रुपए छत्तीस पैसे सस्ता कर दिया गया दिल्ली सरकार ने वैट घटाकर दिल्ली वालों को राहत दी डीजल पर वैट 30 परसेंट से घटाकर 16.75 परसेंट किया गया है जिसके बाद बयासी रुपए प्रति लीटर वाला डीजल तिहत्तर रुपए चौसठ पैसे प्रति लीटर में अब मिल सकेगा फिलहाल विशेष बुलेटिन में इतना ही आप रहिए हमारे साथ एबीपी न्यूज आपको रखे आगे